गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारतीय राज व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक है द्वैत शासन प्रणाली डायर की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, 1919 के अधिनियम के बारे में हमने उस वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी, और उस अधिनियम में जो सबसे प्रमुख विशेषता, जो सबसे प्रमुख बात थी उत्तरदायी शासन के लिए, वो थी प्रांतों में द्वैध शासन। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारतीय जनता लगातार उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी, और जनता की इस मांग ने इतना जोर पकड़ लिया था कि ब्रिटिश सरकार बहुत लंबे समय तक इस मांग की अवहेलना नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में 20 अगस्त 1917 को घोषणा की गई, जिसमें भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। जॉइंट रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी गई कि प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे, यानी सीधा हम इसे केंद्र में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें इसको प्रांतों में इस्तेमाल करना है। यदि प्रांतों में सफल होगा तो इसको भविष्य में आगे बढ़ाया जाएगा। जॉइंट रिपोर्ट में जो ये बात कही गई, इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो मॉन्टफोर्ट सुधार थे और उसमें का जो केंद्रीय प्रस्ताव था, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें थीं, उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता और जनता के प्रति शक्ति का हस्तांतरण। कि जो ब्रिटिश हायरकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो नियंत्रण है जनता पर, उसे धीरे धीरे स्वतंत्र किया जाएगा और धीरे धीरे शक्ति का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार की ओर से ब्रिटिश भारतीय जनता की ओर हस्तांतरित होगा। तो 1919 के इस अधिनियम के द्वारा प्रशासन के विषय और आय की मदों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्रीय विषय जो थे, जिसमें रक्षा, विदेश संबंध, देशी राज्यों से संबंध, रेलवे, सैन्य महत्व के, संचार के साधन, डाक, तार, मुद्रा, टंकण, सार्वजनिक ऋण, ऐसे विषय थे, फौजदारी कानून, दीवानी कानून, जो केंद्रीय सूची में रखे गए थे, केंद्रीय विषय थे। और इसी तरह स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, उद्योग धंधों का विकास, आबकारी, पशु चिकित्सा, ऐसे ये जो जेल, पुलिस, न्याय, वन, श्रम, ऐसे जिन्हें ऐसे विषय थे जो प्रांतीय सूची में या प्रांतीय विषय में हस्तांतरित विषय में रखे गए। तो केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय दो वर्गों में बांट लिया। तो अब प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय ऐसे विषय जिन पर अंतिम नियंत्रण गवर्नर का था, और हस्तांतरित विषय वे थे जिन पर लोकप्रिय मंत्रियों का, यानी जनता द्वारा चुने हुए लोगों का नियंत्रण बना हुआ था। रक्षित जैसे न्याय, पुलिस, जेल, भूमि, राजस्व, कृषि संबंधी ऋण, अकाल पीड़ित सहायता, ये ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे विषय थे जो रक्षित थे, जबकि सफाई, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, शिक्षा, कृषि, सहकारी समिति, आबकारी, ऐसे विषय थे जिन्हें हस्तांतरित विषय रखा गया। यानी मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका संबंध सीधा फाइनेंस से, वित्त संबंधी हैं, जहाँ पर पैसे का मामला बैठ रहा है, वो उन पर सब पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का गवर्नर के माध्यम से बना रहा, जबकि गौण विषय, कम महत्वपूर्ण विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपे गए थे। तो ये जो डायरकी है, द्वैत शासन है, इसका क्या उद्देश्य था, ये क्या शब्द है डायरकी, द्वैत शासन अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम डायरकी, ये दो शब्दों से बना है, ग्रीक शब्द हैं डाई और आर्की, डाई मतलब दोहरा और आर्की मतलब शासन। तो द्वैत शासन का मतलब हो गया दोहरा शासन। दोहरा शासन कैसे, कि एक तो गवर्नर का और एक लोकप्रिय मंत्रियों का,
गवर्नर ब्रिटिश सरकार का अभिकर्ता है, ब्रिटिश सरकार का हिमायती है, और लोकप्रिय मंत्री जो हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। तो ये दोहरा शासन 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ। इसको डिफाइन करते हुए लिखा गया है कि द्वैत शासन का अर्थ था प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में विभिन्नता हो। तो दो क्षेत्र बट गए प्रांतीय शासन में, एक रक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। दोनों का प्रशासन भी अलग अलग पदाधिकारियों के पास चला गया। रक्षित का प्रशासन गवर्नर के पास और हस्तांतरित का प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों के पास। जो गवर्नर था वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था और उसी का जिम्मेदारी थी कि वो रक्षित विषयों का सार संभाल करे, जबकि हस्तांतरित विषय जो है वो लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान किए गए थे जो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते थे और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। इस द्वैत शासन का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 1921 को भारत के 8 प्रांतों में किया गया। बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब और 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया। इस प्रकार 16 वर्ष तक यह प्रयोग किया गया, लेकिन द्वैत शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा और ये द्वैत शासन असफल हुआ। इसकी असफलता के लिए खास तौर पर जैसे जब ब्रिटिश लेखक अगर इसकी बारे में बात करेंगे तो वो कांग्रेस को या एक स्वराज दल था जिसकी स्थापना सी आर दास और विट्ठल भाई पटेल ने 1923 में की थी, इन दलों को ये उत्तरदायी मानते हैं। जबकि यदि हम इसकी समीक्षा करें तो इसके असफल होने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक तो योजना में अंतर्निहित दोष और दूसरा अन्य परिस्थितियां। योजना में अंतर्निहित दोष मतलब कि ये जो प्लान था डायर की का द्वैत शासन का, इस योजना में अपने आप ही कुछ कमियां थीं जिसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाया। उसमें पहली बात कर रहे हैं हम सिद्धांततः दोषपूर्ण। द्वैत शासन प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न और अलग-अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। शासन में एक आंगिक एकता होती है और इसके विभिन्न अंग पारस्परिक निर्भरता और सहयोग के आधार पर अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन द्वैत शासन की योजना राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के ही विरुद्ध थी, इसलिए ये सफल नहीं हुआ। दूसरा कारण है विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। 1919 के अधिनियम द्वारा दो सत्ताओं के बीच विषयों का जो बंटवारा किया गया वो इतना बेढंगा था कि उससे अधिक अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। जो विषयों को अपन इसमें बांटा गया, रक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय में अकाल सहायता करने का काम किसका है, रक्षित विषय में चला गया, और अकाल पीड़ितों के पास पहुंच किसको बनानी है, हस्तांतरित विषय वाले लोकप्रिय मंत्रियों को। तो पहुंच कोई और बना रहा है और उनको सहायता प्रदान करने की जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो किसके पास है, रक्षित विषय वालों के पास। कृषि का ऋण देने का अधिकार किसको है, गवर्नर को, और कृषि की सार संभाल किसको करनी है, उत्तरदायी मंत्रियों को। ऐसा अतार्किक, ऐसा बेढंगा विभाजन इसमें किया गया। इसके अतिरिक्त विभाजन इस प्रकार किया गया कि हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। वस्तुतः विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्ति रहे और वे रक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर रहें। तीसरा बिंदु है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां। हस्तांतरित क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में केवल एक वैधानिक प्रधान
ही रहे, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा उसे मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। यदि वह यह समझता कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, व्यवहार में गवर्नरों द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया गया, और जब कार्यों में हस्तक्षेप होगा तो निश्चित रूप से वो मंत्रियों की विश्वसनीयता में, उनकी कार्य क्षमता में कमी लाएगा। चौथा बिंदु, हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त व्यवस्था नहीं। प्रांतीय शासन को रक्षित और हस्तांतरित दो क्षेत्रों में बांटा गया, लेकिन दोनों के लिए पृथक पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी। वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के ही हाथ में रहता था। वास्तव में आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। इस संबंध में सर मोहम्मद फखरुद्दीन ने कहा था, मंत्री जिन्हें राष्ट्र निर्माणकारी विभाग प्रदान किए गए थे, धन के अभाव में अपने कार्य संपन्न नहीं कर पाते थे। पांचवा बिंदु है, मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि विभाग के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतया संबंधित मंत्री के अधीन हों, परंतु द्वैध शासन के अंतर्गत ये स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के जो अस्थायी प्रमुख होते थे, उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य होते थे, और 1919 के अधिनियम के अधीन इन सेवाओं के अधिकारियों और प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया था। व्यवहार में इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति पर गवर्नर का नियंत्रण होता था, ना कि उस मंत्री का जिसकी अधीनता में वे कार्य करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में भी उत्तरदायी शासन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्ति नहीं करता था, अतः मंत्री एक दल के ना होते थे, और इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दल के लोगों को मंत्री बना देता था, जिससे वे टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना भी आवश्यक था, लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं थी। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई थी, उनका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था। उसमें लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य थे। जो सदस्य निर्वाचित थे, वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि थे। उनमें से भी अधिकांश सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में ही लगे रहते थे। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये इस 1919 के अधिनियम में जो दोहरा शासन सिस्टम लाया गया, इस सिस्टम के ही दोष थे, इस वजह से ये असफल हुआ। दूसरा कारण जो हमने लिया है, अन्य बाहरी परिस्थितियां, कि उस समय का राजनीतिक और देश का वातावरण किस प्रकार का था, उसमें हम नंबर वन पे ले रहे हैं, द्वैध शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में हुआ। उस समय भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई थी। इस समय ब्रिटेन और उसके सुधारों के प्रति व्यापक उदासीनता का भाव था। दूसरा, आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट। तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट ने भी इन सुधारों की असफलता में कम योग नहीं दिया। 1920 में समय पर वर्षा न होने के कारण फसलें ठीक न हुई, भारतीय बाजारों में मंदी आ गई, और इन सब बातों से पहले से ही दुखी भारतीयों के दुर्भाग्य में और वृद्धि हो गई। इसी समय मेस्टन पंचाट आया, जिसके अनुसार अब खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था। इससे स्थिति और अधिक खराब हो गई।
शासन की सफलता प्रचुर वित्त पर निर्भर थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक रूप से नहीं अपना सकी। तीसरा बिंदु है कांग्रेस और लीग का असहयोग। जो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो प्रशासकीय सुधारों पर नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष में को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी, इसलिए ये लोग इस योजना पर ध्यान नहीं दे पाए। चौथा, नौकरशाही का जो दृष्टिकोण है वो भी सुधारों के प्रति संवेदनशील नहीं थे, उनकी भावना उत्तरदायित्व तरीके से कार्य करने की नहीं थी और वो लोग अपनी वफादारी लोकप्रिय मंत्रियों के बजाय गवर्नर के प्रति ज़्यादा अदा करते थे। पांचवा बिंदु है ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण। जब तक मॉन्टेस्क्यू ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सामान्यतः ठीक था, लेकिन में इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार बन जाने पर जब इस दल पर अनुदार दल के सदस्य आ गए तो इन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण ही बदल गया। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये द्वैध शासन सफल नहीं हुआ, परंतु इस द्वैत शासन का यदि हम मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से इसे इस शासन से, इस व्यवस्था से भारतीयों को बहुत सारे फायदे हुए हैं, जिनमें सबसे पहला जो बड़ा फायदा है वो था भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान करना, कि जो वोटर्स थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई और सबसे बड़ी बात महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। दूसरी बात, सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, वे भारत से चले गए, ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों को ही नियुक्त किया गया, तो ये सेवाओं का भारतीयकरण हुआ। इसके साथ साथ नवीन एक शासकीय व्यवस्था का भी लाभ हुआ कि अनेक भारतीय राजनीतिज्ञों ने परिषदों में प्रवेश किया, इससे उन्हें सरकार की समस्याओं को समझने और बहुमूल्य शासकीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके अलावा प्रांतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। खासतौर पर मद्रास की जस्टिस पार्टी ने दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किए और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और कृषकों की स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये कुछ सकारात्मक बिंदु हैं जो इस द्वैध शासन के कारण हम लोगों को मिले, हमें इनको सीखने को मिला। और जैसा भी है, भले ही उस समय हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे और ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था को पूरे मनोबल से और पूरी कार्यक्षमता से लागू नहीं किया, इसके बावजूद भी हमें बहुत कुछ इस अधिनियम से सीखने को मिला। धन्यवाद।